नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। शाहिद कपूर को फिल्म रंग दे बसंती ना करने का है पछतावा। जी हां, एक इंटरव्यू के दौरान शाहिद ने इस बारे में बात की। सोर्सेस की माने तो शाहिद को सिद्धार्थ के रोल के लिए अप्रोच किया गया था। उन्होंने फिल्म में करण सिंघानिया का किरदार निभाया था। क्या है शाहिद से जुड़ी एक बड़ी खबर, आइए आपको बताते हैं। जब वी मेट कमीने, हैदर, उड़ता पंजाब और पद्मावत जैसी फिल्मों से लोगों का दिल जीत चुके बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर अब कबीर सिंह में नजर आएंगे। कबीर सिंह में वो बहुत ही शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। उनके फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। शाहिद फिल्म इंडस्ट्री में लंबे वक्त से काम कर रही हैं। उनके फैंस को लगता है कि अब वो स्क्रीन पर किसी भी तरह के कैरेक्टर को आसानी से निभा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि शाहिद ने कई फिल्मों को रिजेक्ट भी कर दिया है, जो कि बाद में एक बड़ी हिट साबित हुई थी। ऐसी ही एक फिल्म रंग दे बसंती थी, जिसे उन्होंने छोड़ दिया था और इस फिल्म ने कई अवार्ड्स अपने नाम किए। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए शाहिद ने बताया कि उन्हें रंग दे बसंती न करने का पछतावा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें सिद्धार्थ के रोल के लिए अप्रोच किया गया था। इस फिल्म में सिद्धार्थ ने करण सिंघालिया का किरदार निभाया था। इस किरदार को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। फिल्म में आमिर खान लीड रोल में थे और इसके साथ कई कलाकार नजर आए और सभी कलाकारों ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की थी फिल्म रंग दे बसंती में। बात करें शाहिद के बॉयफ्रेंड की तो वो इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म कबीर सिंह के प्रमोशन में काफी बिजी हैं, जो कि 2017 में आई तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म अर्जुन रेड्डी का रीमेक है। फिल्म में कियारा आडवाणी एक्ट्रेस के रूप में नजर आएंगी और फिल्म 21 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। आपको बता दें इस फिल्म के ट्रेलर को काफी पसंद किया गया। फिल्म के गाने बहुत ज्यादा हिट हो चुके हैं। फिल्म में शाहिद और कियारा की केमिस्ट्री लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। फिल्म कबीर सिंह को कियारा और शाहिद जमकर प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।